हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टसाई ऑनलाइन क्लासेस, क्लास सिक्स, चैप्टर थर्ड। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 6। राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 11। हमें ब्लैंक जो है हमारे पास उसमें डिजिट फाइंड करनी है, बट कंडीशन क्या है हमारे पास, वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से। अब देखिए, इससे पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल्स डिस्कस कर रखे हैं, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो गिवन डिजिट है उसके हमारे पास ऑड प्लेस डिजिट एंड इवन प्लेस डिजिट का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए पार्ट 992 ब्लैंक स्पेस 389। तो हम क्या करते हैं, लेट जो ब्लैंक स्पेस में है डिजिट वो हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। लेट द डिजिट इज एक्स। अब देखिए, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में हमने एक्स अज्यूम किया, तो हम अपने डिविजिबिलिटी रूल 11 का यूज करेंगे। वो क्या है हमारे पास, देखिए 9 2 x 3 8 9। बैक साइड से काउंट करके देखिए, ये वन प्लेस 1 2 3 4 5 एंड 6। काउंटिंग नंबर डाला हमने 1 2 3 4 5 6। अब इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस डिजिट का हम सम करेंगे। सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट, इवन नंबर्स हमारे पास 2 4 6, और उस प्लेस की जो डिजिट है हमारे पास 8, प्लस एक्स प्लस 9 8 प्लस 9 17, दैट इज 17 प्लस एक्स, एंड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स ऑड प्लेस डिजिट 1 3 5 ये हमारे पास ऑड नंबर है, और इनकी ऑड प्लेस डिजिट हमारे पास क्या है, 1 की 9, 3 पर 3 डिजिट एंड 5 पर 2 डिजिट। सम किया हमने 9 प्लस 3 12 12 प्लस 2 14। अब देखिए, जो इनका डिफरेंस है ऑड प्लेस डिजिट एंड इवन प्लेस डिजिट का जो डिफरेंस है, वो या तो हमारे पास 0 आना चाहिए या फिर हमारे पास जो सम आया उसका वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, जैसे कि हमने डिविजिबिलिटी रूल में डिस्कस किया। अब देखिए, इसका जो हम डिफरेंस करेंगे 17 प्लस एक्स, इट मीन्स सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट 14 इज इक्वल टू हमारे पास या तो 0 है या फिर 11 से है, इट मीन्स जो नंबर आए वो डिविजिबल बाय 11 हो, क्योंकि गिवन कंडीशन 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 17 प्लस एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम राइट करेंगे 11, क्योंकि वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 17 में से 14 माइनस करिए, 3 प्लस एक्स इक्वल टू 11, प्लस के 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे हम, एक्स इक्वल टू 11 माइनस 3, इट मीन्स 8। तो जो गिवन जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस है उसमें डिजिट क्या होगी, 8 होगी, दैट इज Hence, 9 2 8 3 8 9 is divisible by 11. That is answer. Okay, ऐसे ही हम बी पार्ट अटेंड करें, बी पार्ट को देखिए डिस्कस कर लेते हैं। बी पार्ट हमारे पास, तो इसमें भी हम अज्यूम करेंगे लेट द डिजिट is x, तो हमने ब्लैंक स्पेस में x अज्यूम किया। अब सम ऑफ जो हमारे पास गिवन नंबर है 8x9 4 8 4 हो जाए, काउंटिंग बैक साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब वही सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट फाइंड करेंगे। सम ऑफ इवन
प्लस डिजिट्स, इवन प्लस डिजिट्स हमारे पास देखिए 2, 4, 6 इवन नंबर होते हैं और इनकी जो प्लस डिजिट है 2 पर क्या है हमारे पास 8, 4 पर 9 एंड 6 पर 8, तो सम करेंगे इसका 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 8 25 एंड सम ऑफ ओड प्लस ओड प्लस डिजिट, ऐसे ही हम सम ऑफ ओड प्लस डिजिट फाइंड करेंगे। ओड नंबर हमारे पास क्या होते हैं 1, 3, 5, ये हमारे पास ओड नंबर है, तो 1 पर है हमारे पास 4 एंड 3 पर डिजिट है हमारे पास 4, 5 पर है हमारे पास x, सम करेंगे 4 प्लस 4 8, 8 प्लस x। अब जो इनका इवन प्लेस डिजिट का सम और ऑड प्लेस डिजिट का सम, उनका जो डिफरेंस है वो किस क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। इट मीन्स 25 इवन प्लेस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट 8 प्लस एक्स, ये किसके ऊपर होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11। इट मीन्स या तो जीरो होना चाहिए या फिर वो जो नंबर आया सम करने डिफरेंस उसका वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो फाइंड आउट करते 25 माइनस ये माइनस 8 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 11। 25 में से 8 माइनस करेंगे, 25 में से 8 माइनस करेंगे देखिए तो यह आएगा हमारे पास 70 प्लस का माइनस एक्स इक्वल टू 11, प्लस के 17 को इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस एक्स इक्वल टू 11 माइनस 70 माइनस एक्स इक्वल टू, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 17 में से 11 माइनस करेंगे तो 6 आएगा लेकिन माइनस का 6 क्योंकि जो हमारे पास बड़ी वाली डिजिट है वो माइनस की, इसलिए साइन ऑलवेज बड़ी डिजिट का आता है, माइनस का 6, दोनों साइन माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू आया हमारे पास 6। तो ब्लैंक स्पेस में हमारे पास जो डिजिट फाइंड हुई है वो एक्स है, hence the required number is, hence the number is 8 and x की वैल्यू क्या फाइंड हुई है 6, 8, 6, 9, 4, 8, 4 is divisible by 11, that is answer।